भाई साहब देखा ही है आप लोगों ने, इंडिया ने चौथा मैच भी जीत लिया है और अनडिफीटेड दो टीमें अब आपने सामने होंगी धर्मशाला के अंदर। और यहाँ पर एक टीम जो है वो अनडिफीटेड नहीं रहेगी, एक टीम जो है वो अनडिफीटेड रहेगी। यहाँ पर एक टीम 5 कंसेक्यूटिव मैच जीत जाएगी, एक टीम हार जाएगी और इस मैच की मेरी प्रेडिक्शन है कि इंडिया ये मैच हारने वाला है जो कि धर्मशाला के अंदर खेला जाएगा। स्पेशली अगर इंडिया डिफेंड करने पर जाता है टोटल, तो मेरा ख्याल है 90% चांस यही है कि इंडिया इस मैच को हार जाएगा। देखते हैं क्या बनता है उस मैच का। लेकिन आज इंडिया ने जबरदस्त किस्म की विकेट खेली है। रोहित शर्मा की 50 आई है, शुभमन गिल की 50 आई है, विराट कोहली ने बेहतरीन बैटिंग की है, श्रेयस अय्यर को भी आप लोगों ने देखा है। बट वो दिन जिस दिन KL राहुल भी जल्दी आउट हो जाएंगे, विराट कोहली भी और रोहित शर्मा भी, उस दिन देखना पड़ेगा कि इंडिया मैच को कैसे टैकल करता है, क्योंकि उस दिन इंडिया के लिए मुश्किलात हो सकती है। शोएब अख्तर का रिएक्शन देखा है आप लोगों ने, शोएब अख्तर एंड पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन ऑन इंडिया वर्सेस बांग्लादेश वर्ल्ड कप 2023, क्या कहते हैं आप लोग इसके वाले से नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल और 50,000 सब्सक्राइबर्स हैं हमारे कंप्लीट करवाएं। मैं आपसे मिलूंगा यहाँ पर अगली वीडियो के अंदर, तब तक देखिए, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।